Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. मैंने सारा जहां घूम चुका यह हवा, कितना कुछ मैंने पाया, फिर भी दिल क्यों तरसे, फिर भी दिल क्यों तरसे, कौन बनेगा हमारा, कौन बनेगा हमारा। देखा मैंने सारा जहां घूम चुका यह हवा, कितना कुछ मैंने पाया, फिर भी दिल क्यों तरसे, फिर भी दिल क्यों तरसे, कौन बनेगा हमारा, कौन बनेगा हमारा। बहुत हसी दोस्त हुई ना कोई, देखी मैंने बहुत हसी दोस्त हुई ना कोई, जिस मिलेगा प्यार ढूंढ मेरी आंखें वही, फिर भी दिल क्यों तरसे, कौन बनेगा हमारा, जहाँ घूम चुका यह हवा, कितना कुछ मैंने पाया, फिर भी दिल क्यों तरसे, फिर भी दिल क्यों तरसे, कौन बनेगा हमारा, कौन बनेगा हमारा। हमारा
चाहा घूम चुका यह हवा, कितना कुछ मैंने पाया, फिर भी दिल क्यों तरसे कौन बनेगा हमारा, कौन बनेगा हमारा। कौन? किसे मिलना है? नमस्कार, अखिलेश चाचा, मतलब अखिलेश मिश्रा से मिलना है। आप कौन? अर्चिष्मान रॉय। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं फिलाडेल्फिया से आ रहा हूँ। वे मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं और मेरे जीवन पर उनका, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? माँ जी, बाबू बुला रहे हैं आपको। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूं। ठीक है। हाँ? ये लीजिए आपकी चाय। रखो। 7:15 बज गए हैं, दुकान तो जाएंगे ना? परसों तो गया था। जैसे मैं ही सब खा ले रही हूँ। सारी बातों का उल्टा अर्थ निकालना औरतों की आदत है। कैसी बातें करते हैं। हेलो। हाँ हाँ, मैं विश्वनाथ बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, नमस्कार नमस्कार। नहीं 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 नहीं, उस दाम में नहीं दे पाऊंगा। नहीं, 200 से नीचे संभव नहीं है। नाइस। अच्छी। हाँ? घर ढूंढने में तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओह, कितने साल बाद तुझसे, 20 साल तो होंगे ही ना? 1982, 20th April। अच्छा, तू यहाँ पे है कितने दिन और तेरा वहाँ का पता क्या है? सुना है वहाँ पे तू जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अच्छा, तू यहाँ पे ऑफिस के काम से आया है? अब एक बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? किसी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। कौन? जिनकी प्रेरणा, सहायता मुझे अपने हाथों से जीवन को संवारना सिखलाया है। कौन है वो? तू नहीं पहचानेगी। अखिलेश मिश्रा, पिताजी के दोस्त। अच्छा दीदी। तेरे बाल बच्चे? सॉरी, मैं अडॉप्ट करना चाहती थी लेकिन वो एक सेकंड। तो फिर घर पे अकेली रहती है, मतलब डेडिकेटेड हाउसवाइफ है ना? पढ़ाती हूँ, लेडी ब्रेवन। ये रहा। अरे इतनी सारी किताबें क्यों ले रही हो? लगेज भारी हो जाएगा। ये लो, चादर रखो, रात में ठंड पड़ सकती है। और इसमें थोड़ा सौंफ है, रख ले। और तुम्हारा ये स्वेटर देखो, ज्यादा भारी नहीं है पर बहुत गर्म करता है, इसको भी रखो। अरे मैंने इनफ लिया है, वैसे भी ठंड कहाँ है। अरे यहाँ ठंड नहीं है पर बाहर बहुत ठंड है। इसके अलावा कहाँ सोगी कहाँ रहोगी, इसका भी तो कुछ ठीक नहीं। लो अब जल्दी जल्दी सब समेट लो, मैं खाना लगाती हूँ। मेरी नानी। तो वो क्या जिंदा है? हाँ, गांव में रहती है। क्या वो जानती है कि उनका प्यारा पोता यहाँ क्या गुल खिला रहा है? मतलब है ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण,
वैश्वीकरण और महंगाई के दौर में तुम कोशिश कर रहे हो वैन गॉग, सेजन या राम किंकर बनने की। अरे दोस्त, कॉरपोरेट बैकिंग ना रहे तो टैलेंट की कोई कीमत नहीं, समझे? 5-स्टार होटल के स्वीट में रहते हैं लेकिन एग्जीबिशन में नंगे पैर चलते हैं। हीरो हीरोइन की पेंटिंग बनाते हैं और बना के मिटा देते हैं, और उसी की पार्टी में मीडिया के लोग 6-पैक शिवश्रीगल गटक के नागिन डांस करते हैं। क्या कुछ समझे? हाँ समझा। तो तुम्हारा वायु क्या ऊर्ध्वगामी है? इसकी कई वजह है। बांकुड़ा के उमाकांत चोपड़ा छोटा सा बिजनेस करके परिवार चलाते हैं। उनके तीसरे पुत्र श्रीमान सागर चोपड़ा आगे की पढ़ाई पूरी करने के नेक इरादे लेकर आर्ट कॉलेज में दाखिला लेने आए पेंटर बनने। आते ही उन्होंने तय किया उनको कलाकार बनना है। भाई ये सब बात छोड़ो, ये सब काम छोड़ के बताओ चले किधर? जा रहा हूँ लेकिन 2-1 दिन में लौट आऊंगा, चिंता मत कर। ओके सुनो लड़के लड़कियों, हमारे अभिजात्री क्लब के तरफ से हमारी क्लब के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री माधव तिवारी जी आप लोगों से कुछ कहेंगे। आइए सर, आइए बोलिए। जवानी का धर्म है अनजान को जानना, तभी तो किसी कवि ने कहा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हमारी अभियात्री क्लब का उद्देश्य है कुदरत के रहस्य को, इंसान के कारनामों को लोगों के सामने लेकर आना। हा, हा, हा। हर साल की तरह इस बार भी इसी उद्देश्य से हमने ये एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज किया है। आपके साथ हैं श्री चैतन्य गडकरी और तातियाना गडकरी। इनके बारे में हम सभी सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तातियाना ने थोड़े दिनों पहले खत्म हुए इंटरनेशनल वीमेन्स रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने 51 प्रतियोगियों में 51वां स्थान प्राप्त किया था। इस यात्रा में इन लोगों ने आप लोगों की जिम्मेदारी लेकर मुझे निश्चिंत कर दिया है। आपकी इस यात्रा के लिए मैं क्लब की ओर से तुम सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जोर से तालियां बजाओ। हाँ हाँ हाँ। सर हाँ, हमारे 11 मेंबर में से 10 तो यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, तो हम इन्हीं से शुरू करें। हाँ सर, अभी तक तो नहीं आया सागर, अभी तक नहीं आया। मैं आ गया सर। हाँ? अरे ये लीजिए, सागर भी आ गया। आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सर आई एम वेरी सॉरी, सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, मेरे लिए सब लेट हो गया, सॉरी सर। मैं अभियात्री क्लब के 13th एनुअल एक्सकर्शन को फ्लैग ऑफ कर रहा हूँ। 3 चीयर्स फॉर अभियात्री क्लब। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ना ये तो जानना, ये जीवन चलता जाए रुकना ये तो जानना। हो 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 इशारा देगा कोई तो आज सहारा,
मिलके बने आज बहती धारा, आज किसी का डर नहीं, ये जीवन यूं चलता जाए, रुकना ये तो जानना। मिलेगा कौन यहाँ मैं तो जानू ना, नई डगर पे चलना पड़ेगा, अजनबी कोई मिल ही जाएगा, साथी रहो का वो बनेगा, ढूंढ लगी मेरी आँखें उसी को, ये जीवन यूं चलता जाए, रुकना ये तो जानना, ये जीवन यूं चलता जाए, रुकना ये तो जानना। हे 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 हो 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 हा 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 हमारे यहाँ आखिरी शाम है। आज की इस शाम को यादगार बनाने के लिए हम लोग आज खुशियाँ मनाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, आज कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हारा जो मन चाहे कर सकते हो, गा सकते हो, नाच सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। पहले आपसे ही शुरू करते हैं। मुझसे देखो मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं क्या ये सब कर पाऊंगा? प्लीज कीजिए ना। अरे वो देने वाला आए जब देने पे तो किसी को दे दे कहाँ कोई जाने ना, हो रामा। और ऊपर वाले की है तिजोरी बहुत बड़ी, सोने चांदी से भरी, हीरे मोती से जड़ी, चांद सूरज के तले सितारों की है कड़ी, वहाँ तकदीर लिखे कोई जादू की छड़ी, किसे वो छूले कहाँ कौन घड़ी कोई जाने ना, हो रामा। अरे वो देने वाला आए जब देने पे तो किसे क्या दे दे कहाँ कोई जाने ना, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मन, धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी बिंदिया मेरे दिल को भा गई। बाप रे, अरे बाप रे। ठीक है। सागर अब तू एक गाना सुना। मैं? हाँ। नहीं, अरे मुझसे नहीं होगा। अरे गाना। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। बंद करते रहिए बकवास गाना, उफ, इतनी दूर से भी तेरी गांव की स्मेल आ रही है, चले आए सब खेतीबाड़ी पार्टी। अच्छा कुछ मजेदार फिल्मी गाने गाओ ना, कुछ ठुमका लगाने वाला डांस नंबर्स, थोड़ा थोड़ा मजे लेके गाना यार।
सॉरी, वो सब गाना मुझे नहीं आता। वारे दोस्त, मौका मिलने पर भाव खा रहे हो। अरे छोड़ छोड़, रहने दे। शहर में आने के बाद सब संस्कारी बन जाते हैं। After all, हम लोग इतने दिन शहर में रहने के बाद भी हम में ये सब नहीं है। चल छोड़, वो बजा दो।
हमारा ये बुक फेयर 24 साल का हो गया। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने हर रोज कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया है, और आज इस अनुष्ठान में हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं सुपरिचित वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चिसमान रॉय। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी रिसेंट रिसर्च जीवन की उत्पत्ति के रहस्य की खोज में एक नई दिशा दिखाई है। हमारे बीच उनका उपस्थित होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनका हम अभिनंदन करते हैं। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं खुद की लिखी हुई कविता पाठ से। पाठ करेंगी रंजावती मिश्रा। नमस्ते नमस्ते। उस दिन मन ही मन में कितना सोचती रही मैं, वो बात कभी भी जुबा पे नहीं ला पाई। बेचैनी और घबराहट दिल में दस्तक देती रही, फिर भी अनजान राह पर मैं अकेली चलती गई। हर मोड़ पर हुआ एक अजीब सा एहसास, फिर भी दिल में था एक अधूरा विश्वास। दिल की बेचैनी से टूट जाती हूँ, फिर उसको याद करके खुद को समझा लेती हूँ। अकेली थी मैं अपनी दुनिया में, मगन रहती थी अपनी धुन में। जीवन के हर कदम पर गूंजती रही नई सुबह की शहनाई। जो बात नहीं कह पाती थी वो बात आज करती हूँ बया। जानती हूँ नहीं आएगी वो घड़ी, लेकिन अंधेरी रात के बाद ही आती है एक सुबह। अरे सुन सुन, तू फिल्म देखे बिना ही ये सब बोले जा रही है। ये फिल्म एक्चुअली नारी के विरोध पर बनी फिल्म है। यानी कि लेस्बियन रिलेशन? माय गॉड, चाहे कुछ भी बोल, इस तरह से मर्दों के खिलाफ विरोध नहीं किया जा सकता। ए सुन, सागर की क्या खबर है? दत्त, एक्सकर्शन के बाद कोई खबर ही नहीं है। वही तो। राम किंकर महाशय का नाम सुना है? राम किंकर महाशय असल में खेती बाड़ी करके राम किंकर बने हैं, और हमारे वो वो शहर के कंक्रीट के जंगल में चार दीवारी के अंदर बंद होके आर्टिस्ट बनने का सपना देख रहे हैं। बड़ा आर्टिस्ट बनेंगे। सच में? ए भाई नहीं, ये सही। हेलो, क्या हुआ? तुम लोग सब मुझे देखकर खामोश हो गए? क्या मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया? अरे नहीं नहीं, पर आप यहाँ पे नहीं आ सकता। जानती हो रंजा, कभी मैं भी तुम लोगों की तरह दोस्तों के साथ, लेकिन यहाँ नहीं, कॉफी हाउस में, कॉलेज स्ट्रीट कॉफी हाउस। मौज मस्ती हुड़दंग, एक दिन भी अगर मिस किया तो सब कुछ अधूरा सा लगता था। तो तुम्हारे पास तो जाने को बहुत सारी जगह हैं, नंदन एकेडमी। अरे इनके साथ मेरा परिचय नहीं करवाओगी? ओह, आई एम सो सॉरी। वो है दीपक मिश्रा। हेलो, नमस्कार। वो है मिताली चौधरी। नमस्कार। संगीता शर्मा। गीता चोपड़ा। और ये है श्याम कुमार। हेलो, नमस्कार। रंजा, रंजा देख तो कौन आया है।
कॉन्ग्रेट्स, अभिनंदन। हाँ थैंक यू, पर क्यों? ठहरो, ये देखो उस दिन की मुलाकात, रंजावती मिश्रा। हाँ पर इसके लिए बताता हूँ। लेकिन मैं कह रहा था कि सारी बातें यहीं पूछ लोगी। हे भगवान, आप प्लीज अंदर आइए। चलो आइए आइए आइए, प्लीज अंदर आइए। पत्रिका के ऑफिस में फोन करके तुम्हारा पता पूछा, सोचा जब कवित्री को पहचानता हूँ तो क्यों ना खुद ही जाकर। आप प्लीज बैठिए। हाँ, ना बैठो। मैं अभी आती हूँ। माँ सुनो ना। क्या मा? हुआ क्या? अरे चलो ना, देखो ना, रुक, चलो रुक, ना। रुक, चल रही हूँ, रुक रुक तेरे की, रखो तो, चलो ना माँ, एक बड़े साइंटिस्ट आए हैं। कौन? चलो ना माँ, चलो जल्दी चलो। हाथ तो धोने दे बाबा। अरे रुक रुक, मैं गिर जाऊंगी। जल्दी आओ। ओहो, हाथ मत कुछ धोने नहीं दिया, क्या मुसीबत है। चाची जी, अर्ची, अर्ची तुम? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। थैंक यू। हाँ रंजा बैठो, तो एग्जाम तो नजदीक है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? चल रहा है। वेरी गुड। दो। क्या? अरे उस दिन मैंने कहा ना तुम्हारी कविताएं, क्या सोच रही हो? नहीं मतलब आप खा मखा, मेरे लिए इतनी तकलीफ। रंजा, इतने छोटे से एक बीज में छुपा होता है एक विशाल वृक्ष, अपने फूल फल सब कुछ मिलाकर। उसके बड़े होने के पीछे वो फल फूल सके इसके लिए जरूरी होता है एक माली, और तुम्हारी कविताएं सुनकर। आप बुरा मत मानिएगा, आप क्या पापा का एहसान चुकाने के लिए? देखो रंजा, लड़ाई करके जो मनुष्य अपनी पहचान बनाता है वो कभी किसी को असम्मानित नहीं करता। तुम्हारी कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कविताओं का संकलन प्रकाशित हो। मैं शर्मिंदा हूं गलत समझने के लिए। तो कब दोगी अपनी कविताओं का संग्रह? देखती हूँ। देखती हूँ कहने से काम नहीं चलेगा, कल ही देना पड़ेगा। ओके। हाँ तो क्या खाओगी बोलो? आइसक्रीम? वनीला। गुड, टू वनीला। आप भी आइसक्रीम? तुम्हारे खातिर। बिजी हो? बोलो। जरा आओ ना, बात करनी है। बोलो ना, सुन रही हूँ। जरूरी बात है, यहाँ आकर बैठो तो सही। ओ। बोलो। सामने इलेक्शन है, जीतने से मैं मंत्री बन जाऊंगा। उसके बाद? अरे बताता हूँ, बैठो। अरे बैठो तो। देखो, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए। वो तो चाहिए। रुपए? तुम्हारा भाई तो डॉलरों में कमाता है,
बैचलर और इतनी दौलत तो खाने के लिए भी। इसीलिए कह रहा था। छी, क्या बकवास कर रहे हो। अगले अप्रैल में तुम्हारे प्रिंसिपल रिटायर होने वाले हैं और तुमने 12 साल प्रोफेसर बनकर गुजार दिए। प्रिंसिपल तो तुम्हारी ही रूममेट थी, है ना? और मुझे लगता है कि क्वालिफिकेशन भी तुमसे कुछ ज्यादा नहीं है। लवनिया, तुम अगर थोड़ी मदद कर देती प्लीज प्लीज। अरे सर, आप। हाँ सुनो, तुम्हारा काम अच्छा है इसीलिए तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। हाँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। काम बताइए। 20 और 80 इसी शहर में काम होगा। सर आपने मुझे याद किया, यही बहुत बड़ी बात है। सुनो, शादी के लिए तुम्हें एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी, समझे? डिटेल्स भाभी से पता कर लेना। क्यों, कोई गड़बड़ है क्या? अरे बाबा, वो बाद में बताऊंगा, तुम शाम को आ जाओ ना। अच्छा है? हाँ। मैं जल्दी में हूँ, चलता हूँ। अच्छा। आइए भाभी, बैठिए। घर पे बहुत काम है। भाभी, रंजा की शादी के बारे में कुछ सोचा? देवर जी, आप लोग हैं तो फिर मैं। एक अच्छा लड़का मिला है, विदेश में रहता है, हालांकि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, और क्या। इतनी जल्दी क्या है देवर जी, और फिर आजकल के हिसाब से रंजा की उम्र ही क्या हुई है। लेकिन अच्छा लड़का मिलना ठीक है, पर रंजा से भी तो पूछना पड़ेगा। सामने उसके एमए की परीक्षा है, जीवन के बारे में वो क्या सोचती है ये भी तो जाननी पड़ेगी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाभी, रंजा अभी छोटी बच्ची है, उससे पूछना पड़ेगा हम लोगों को। उसके जीवन की बात है और उसे ही ना बताएं। ठीक है, बुरा ना मानिए देवर जी, मैं जानती हूँ आप हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं, फिर भी हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं चलती हूँ।
तुम? बैठो। स्टेट एग्जीबिशन में सिर्फ एक महीना बाकी है, नाम नहीं दोगे? मैं 2:30 बजे के ट्रेन से गांव लौट रहा हूं। भाग रहे हो? खुद को पिछले 18 दिन से छुपा के रखे हो, क्यों? अधिकार की ये सीमा मैं लांघना चाहता था, पता नहीं क्यों। लेकिन बाद में मैंने सोच के देखा, मैं जहां से आया हूं वो जानने के बाद तुम्हारी मां और तुम्हारे घर वाले हमारा ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे। ऐसी गलती करने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। वाह वाह, सिर्फ कुछ बातें कहकर क्या सारे रिश्ते यूं ही मिटा सकते हो तुम? क्या यही है मर्दानगी? हजार हजार सालों से तुम लोग ये छोटी सी गलती कर जाते हो और उसकी भरपाई करते हैं हम लड़कियां, लेकिन क्यों? कलाकार सच्चाई से नहीं डरते, ऐसे तुमने ही एक दिन कहा था ना, और आज तुम। रंजा प्लीज। सागर, उस दिन तुम्हारा अपमान ने मेरे दिल को तोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हारे ये भागने की कोशिश ने मुझे अंदर से और भी घायल कर दिया है। नहीं सागर, नहीं, ये मैं नहीं मान सकती। रंजा। सागर, अगर तुम हार गए तो मैं भी हार जाऊंगी। रंजा। हाँ, पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी। अरे रे, ये रहा मेरा दोस्त सागर, डॉक्टर अच्छा मन रॉय, 35-36 नंबर की 2 पेंटिंग्स अच्छा? उसकी है। अब देखिए। अरे इनको आप क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, सॉरी सॉरी। आप भी ना, सच में देखो, पेंटिंग्स की दुनिया में मैं एक इंट्रूडर हूँ, मतलब मूर्ख कह लो। पेंटिंग्स देखना पसंद करता हूँ, देखता भी हूँ, बस उसी से जो पता चलता है। तो तुम्हारी पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। अपने आप को इस तरह छुपा के क्यों रखा हुआ है? इतने दिनों में मैं रंजा के सभी दोस्तों से मिल चुका हूं, एक सिवाय तुम्हारे। हाँ, ये भी सही है कि रंजा के मुझसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम बांकुड़ा से हो, जामिनी राय का जन्म स्थान। तो आज की इस मीटिंग को सेलिब्रेट किया जाए एक राउंड कॉफी के साथ। क्यों, कॉफी चलेगी ना? इससे अच्छा गोलगप्पे से सेलिब्रेट करने से अच्छा नहीं होगा? Not bad actually. गोलगप्पा? ओके ओके ओके, तो हाथ रखो। अरे लाओ भाई। वेरी गुड। कवित्री, पेंटर, वैज्ञानिक, तो क्यों ना आज हमारी दोस्ती को गोलगप्पे के साथ सेलिब्रेट किया जाए। भैया रुको, चलो। ओके अर्ची, ये सब न्यूज़पेपर के ऑफिस से आया है।
ये लेके चौथा पैकेट हो गया। ले तू देख, देख के इनमें से कोई पसंद कर ले। देख दीदी, तू जबरदस्ती कर रही है इसीलिए, वरना मुझे इन सब चीजों में तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर। अब नहीं रे, बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, इतना सबको सुनने का समय नहीं मेरे पास। हाँ वो तो दिख ही रहा है कि तेरे पास समय नहीं है। वो सब कॉलेज के लड़के लड़कियों को लेके पूरे दिन बिजी रहते हो। तुझे ये सब कैसे पता चला? अरे वो मेरी स्टूडेंट की बहन श्रेया, बातों बातों में तेरा जिक्र हुआ तभी बताया। ओ, जानती है दीदी, इन लड़के लड़कियों से अगर नहीं मिलता तो पता ही नहीं चलता। इन सब में प्राण शक्ति लोगों में क्या कहते वो भरपूर है। अरे 5:30 बज गए, मैं चलता हूँ। अरे और कुछ देर बैठ जाना बाबा। नहीं नहीं, इतनी देर में वो लोग नंदन के पास आ गए होंगे। मैं चलता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, रात को ये सब का क्या करूँ मैं? अरे यू आर एट फुल लिबर्टी, तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर। चल चल, मैं चलता हूँ। गुड, वेरी गुड। अच्छा सुनो, विश्वनाथ का नंबर क्या है? 475 और 5692 5692 तुम्हें हम अब तक याद हैं, यही काफी है। आजकल कौन किसे याद रखता है? नहीं नहीं, मैं आपकी ये सब बातें नहीं सुनने वाला। आपको मैं एक बार उस देश में जरूर लेकर जाऊंगा। जीवन का आधा हिस्सा तो कट ही गया, अब उस देश में जाकर। अरे हाँ रंजा, तुम्हारा कोई दोस्त आएगा तुमने कहा था? अरे हाँ अभी आ जाएंगे। देखिए ना कोशिश करके, मैं तो इतने सालों बाद माँ को बाहर घुमाने के लिए ला पाई हूँ, वो भी आपकी ही वजह से। आप अगर उस तरह हाथ पकड़ के ना बोलते, नहीं तो माँ कभी भी। सागर इस तरफ। सच है, ये देश उन्नति कर रहा है। कैसे? राइट ऑन टाइम, मतलब बिल्कुल सही समय पर। अच्छा माँ, सागर चोपड़ा गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में फाइनल ईयर, हमारे अभियात्री क्लब के मेंबर है। अरे नहीं नहीं, रहने तो बेटा, बैठो एक दिन हमारे घर पर आओ। ठीक है। हाँ आओ, यहाँ पर बैठो। इसी को शायद कहते हैं दिग्गजों का मधुर द्वंद। मतलब एक तरफ कवित्री, दूसरी तरफ पेंटर। इसको ही कहा जाता है विद्या विनयम। नहीं नहीं, विनयम विद्या। अरे माँ यू आर फैंटास्टिक। विद्या विनयम, नहीं नहीं, विद्या ददाति विनयम। हेलो, मैडोना स्पीकिंग। सॉरी आंटी, ये मम्मी का नंबर नहीं है। आप अगर मम्मी का नंबर चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन, 9831017572। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडोना। हेलो, मैं श्यामल बोल रहा हूँ। कौन, लावण्या? नहीं नहीं, वो तो घर पे ही है। दरअसल मैं उसका मोबाइल लेकर निकला हूँ। क्या कहा? कमिंग संडे, दिन में 12 बजे। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। व्हाट, मैडोनाइन? मैं सोच ही नहीं सकता, मैडोनाइन साड़ी। मैडोना, तुम एक दो हिंदी सॉन्ग तो गा ही सकती हो ना? आई विल ट्राई। मैडोना, बेयर विद अ सॉरी। ओ डिस्गस्टिंग डैड। 12 तो बज चुके, 2 मिनट बाकी हैं। लो अर्ची भी आ गया। अर्ची यहाँ। मैडोना, माइंड इट, बाय हुक और बाय क्रुक। आ अर्ची, बैठ, लेट मी इंट्रोड्यूस।
मिस्टर सक्सेना, ये है मेरे भाई डॉक्टर चिश्मन रॉय। नमस्ते। नमस्कार। और अर्ची, ये है मिस्टर शरद सक्सेना, रियल एस्टेट डीलर। मिस्टर सक्सेना रिसेंटली स्टेट से इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। ये है मिसेस संगीता सक्सेना। नमस्कार। नमस्ते। और ये है इनकी इकलौती बेटी मडोना। हेलो। नमस्कार। वैसे अपने मुंह से बोलना ठीक नहीं होगा, इसके सामने तो एकदम ही नहीं। वैसे ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। क्या लेंगे आप, रम, विस्की, बियर? ब्लैक कॉफी मिलेगी? हाँ, जरूर sure. मिलेगी। वेटर, आप मुझे लेकर परेशान मत होइए। मैडोना, ओ मम्मी, प्लीज डोंट वरी फॉर मी। संगीता, कहिए। अचानक एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जरा शॉपिंग के लिए भी जाना है। अच्छी, प्लीज मैं हाफ एन आवर में आ जाऊंगी। अच्छा लावण्या, इफ यू डोंट माइंड, मैं और राधिका तुम्हें एकॉम्पनी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, इफ यू अलाउ अस। विद प्लेजर। अच्छी, हाँ ठीक है दीदी, जल्दी आ जाना। हम लोग लंच एक साथ करेंगे। ओके। आपका नाम बड़ा मजेदार है, रफाल की एक विख्यात पेंटिंग है, मडोना। ओ, आजकल वैसे उस नाम की एक महिला अमेरिका में धमाल मचा रही है, वेरी अगली। वेल, एंटरटेनमेंट की लैंग्वेज तो बदलेगी ही। थैंक यू। आप कुछ? नो थैंक्स। क्या हुआ अर्ची, कहाँ जा कर रहा है? वल्गैरिटी की हद है। अर्ची, लिसन टू मी प्लीज। लेकिन सर, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। वो ठीक है, लेकिन रिजल्ट तो जीरो है। अरे दांव तो पूरा सजाया हुआ है। अरे तुम्हें कोई जिम्मेदारी देना ना। अरे लड़की की एक भी फोटो तुम्हारे पास? हाँ हाँ, फोटो लाया हूं, वो मैंने मैनेज कर लिया है, लेकिन ग्रुप फोटो है। ओ, उसकी पढ़ाई की टेबल से? हाँ हाँ। टेबल की ड्रायर से? जल्दी जल्दी देखो, देखो सर, देखो। ये देखिए, ये देखिए, ये बाएं से दूसरी वाली। ओ, कहाँ देखो? दिखने में तो अच्छी है। एमए फाइनल ईयर, इंग्लिश, लगता है पसंद आ जाएगी। सवाल ही नहीं होता, तुम्हारी सिलेक्शन तो फाइनल है। तो क्या मैं उसे ये फोटो दिखाऊं कि नहीं? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मुझे दो। ठीक है, तो फिर कल ही उसे। मेरी कोशिश में कमी नहीं थी सर, एक विधवा औरत और एक छोटी सी बच्ची। अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? एकदम गधे हो। सामने मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मिड टर्म वोट, उसके बाद मैं मंत्री बनूंगा। तुम जैसे 10 आदमी को लेकर, मतलब तुम अपने लोग हो, तुम लोगों के बारे में सोचकर, अरे इसमें मेरा आप क्या, आपका क्या? आप तो मंत्री बनेंगे, आप क्या क्या, सब तो हमारे लिए है। अभी सिर्फ 7 दिन का वक्त है, जरूरत पड़ी तो। ए सुनो सुनो। हाँ? समझे? उफ नहीं नहीं माँ, अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकती, वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। मैं तो समझती हूँ, लेकिन विश्वनाथ देवर जी इतना जिद कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनसे एक बार बात करके देखती हूँ। नहीं नहीं, उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन तुझे क्या ऐतराज है, परीक्षा के बाद में भी? देखो लड़कियों के जीवन में। माँ ये सब सेंटिमेंटल बातें मुझे मत बोलो, मुझे तकलीफ है। मुझे भी नहीं पता होगी।
समझी। कौन? माँ। सागर, 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 सुन भाई। क्या हुआ? सुन, बैठ बैठ। अरे, अरे क्यों बैठो ना? अरे खबर सुन ले। फिफ्थ स्टेट के फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन में इस साल वाटर पेंटिंग के लिए राज्यपाल की तरफ से इनाम मिला है सरकारी फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के श्री सागर चोपड़ा को। क्या? दिखा दिखा दिखा। देखो भाई तेरी एक फोटो खींचूं मैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या है? और एक और एक। अरे और एक और एक और। अरे हो गया ना, अब क्या हुआ बोलेगा, बोल। देखो यार, खुद तो कभी सेलिब्रिटी बन नहीं पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, और उनके करीब मतलब उनके आसपास भी नहीं जा सकता। तो तुम्हारे सेलिब्रिटी बनने से पहले मतलब कलाकार बनने के बाद जैसा होता है, लंबी लंबी दाढ़ी, लहराती लटे, फिर लंबे लंबे बाल, फिर शेर भी शर्मा जाए इतने लंबे नाखून, फिर तुम एड़ी तक लटकता कुर्ता पहनना, मतलब अगर तुम नीचे, सॉरी बस सॉरी, फिर तो तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं। तब कहोगे कौन है ये नील, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तुम्हारे सेलिब्रिटी बनने से पहले ना बॉस, कुछ फोटोज ले ली मैंने। कितनी बातें करता है। सुन क्या हुआ, क्या है? कह रहा था सेलिब्रेट तो कर ले, ओनली वन बियर बॉस। नहीं, नो चांस। क्यों? सिर्फ मिठाई मिलेगी। मिठाई? हाँ मिठाई, और वो भी हॉस्टल के सब मिलके खाएंगे। सब मिलके? बंदर कहीं का। रंजा, कुकर बिठाया हुआ है, दो सीटी बजने पर उतार देना। देवर जी बुला रहे हैं, मैं सुनकर आती हूँ। ठीक है माँ। रहने दो भाभी, 6 साल में क्या किया नहीं किया ये बात कोई मायने नहीं रखती। बेटी आपकी, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। दरअसल बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए ये बात कही। हाँ, इससे मुझे कुछ पैसे मिलते, छुपाने का तो इसमें कुछ नहीं। ये आपको पहले समझना चाहिए था भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको और रंजा को कोई नुकसान। ऐसी बात क्यों कह रहे हैं देवर जी? दिल पर हाथ रखकर पूछिए। देवर जी आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, रंजा अब बड़ी हो गई है, उसकी मर्जी को जाने बिना इतना बड़ा काम। बहाना मत बनाइए भाभी, दरअसल आप मेरे ऊपर और विश्वास नहीं कर पा रही हैं। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? आपने जब भी जो जो कहा, अभी तो कुछ दिन पहले ही वो बाईपास की जमीन के कागजात मैंने आपके लोन की सिक्योरिटी के लिए बैंक में जमा दे दिए। मैं मुसीबत में था, आपने मेरी मदद की, मैं इसके लिए आभारी हूँ। आपने इस बात का ताना दे ही दिया। देवर जी मैं अब जा रहा हूँ, आप भी जाइए। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? रो क्यों रही हो माँ, बोलो। देवर जी ने मेरा अपमान किया है। हे भगवान, क्यों? बताओ मुझे। मुझे मुझे घर से निकाल दिया है। ये क्या माँ, क्यों? रो मत माँ, मत रो माँ। वो पेपर दे, तो पेपर दे। अरे प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया रे, के दिल करे हाय हाय
कोई ये बताए क्या होगा। पेपर देगा कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल दीवाना तू न आना, दिल की बातों में सोच ले। डिंक चिकड़ डिंक चिकड़। ए सुन 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 सुन, पेपर नहीं देगा ना? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, चल जा जा। अरे सुनो 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 सुनो, अरे अरे नीचे चले जाओ बॉस, दीपू भैया की दुकान में मिल जाएगी। अपने चाहने वालों को खुशखबरी दोगे, थोड़ा खर्चा तो करो बॉस, ओनली 200। मुझे नहीं चाहिए तेरा पेपर, चल छोड़। अरे सुनो छोड़, अरे छोड़ मुझे छोड़। गुस्सा क्यों हो रहा है बॉस, ये लो। थैंक यू। ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, साफ साफ बताओ जा कहाँ रहे हो। सुनना है, कहाँ जा रहा हूं मैं? इधर मैं जहन्नुम में जा रहा हूं। स्टूपिड। कैसी हो? अंदर आ। क्या हुआ रंजा, क्या हुआ? हाँ समझा समझा, गुस्सा है। क्या करूं बता, दो दिनों के लिए एक जरूरी काम से थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए मिल नहीं। रंजा, ए रंजा, क्या हुआ बेटा? अपमान। क्या हुआ, रोती क्यों है? माँ का अपमान। अरे क्या हुआ है अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारी जिंदगी की एक हसीन शाम है, क्योंकि हमारे दोस्त सागर चोपड़ा को उसके वाटर पेंटिंग के लिए राज्यपाल की तरफ से फाइन आर्ट्स एग्जीबिशन में गोल्ड मेडल मिला है। उसे हम सब की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। ओके ओके ओके, हमारी दोस्त रंजावती, रंजावती मिश्रा के पहले काव्य संकलन टूटा पंख के पब्लिश होने पर हम उसे बधाई देते हैं। वाह 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 वाह। और इस खुशी को मद्देनजर रखते हुए हमारे डॉक्टर अर्चिसमान रॉय ने एक छोटी सी पार्टी दी है, हाँ वैसे कोल्ड ड्रिंक की। और इसलिए मेरी तरफ से उनको सबसे बड़ा धन्यवाद। तो बच्चा लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोर से 3 दफे तालियां। सर वो जो छोकरा है, उस छोकरे का घर है बाकुड़ा, सागर चोपड़ा किसान, मतलब उसका बाप खेती करता है। आहा, मैं क्या अपनी बेटी की शादी करवाने जा रहा हूं? करवाएंगे नहीं, वो आपकी बेटी है, आप समझिए। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, भूल हो गई, मैंने वैसा नहीं कहा। सुनो, उसको हाँ मतलब हटाना पड़ेगा, नहीं तो लड़की बिल्कुल
मतलब जितना मुझे लगता है, मतलब जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन, उससे रंजा और सागर के प्यार का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल अनोखा प्यार है दोनों का। हटा नहीं सकते लड़के को? मतलब आपका कहना है? आहा, ऐसी बेवकूफी मैं पसंद नहीं करता। हाँ। तो फिर क्या कहना चाहते हैं आप? स्कैंडल। इसका मतलब? स्कैंडल मतलब किस्सा। है, है। उम्र कम है समझे। हाँ। एक काम करो, पूरी तरह से बदनामी का टोकरा पहना दो उसे। उसके बाद ये मजा कलाकार का दिल लाज और शर्म से भ्रष्टाचार, उसके बाद वो सच्चा प्यार समझे खत्म हो जाएगा और तब कवि के दिल में पैदा होगी नफरत। चौंकाने वाली बात होगी सर, वही करने कह रहे हैं ना। हाँ, यहाँ तक काम को अंजाम दो। सर थोड़ा सा एक घूट पियोगे? हाँ सर। हाँ लो। एक टेलीग्राम का फॉर्म दीजिए तो। थैंक यू। सागर जी, सागर जी, आपका टेलीग्राम आया है। क्या हुआ, कोई बुरी खबर? फादर्स कैंसर, इमीडिएट ऑपरेशन, मिनिमम ₹50,000 रिक्वायर्ड, अरेंज क्विकली। अभी आप स्टूडेंट हो, उसके ऊपर फाइनल ईयर, और यहाँ पे आपका कोई सोर्स भी नहीं है। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? एक क्या, आप 100 कीजिए। हेलो, हाँ डॉक्टर अर्चिष्मान रॉय है, रूम नंबर 251। हाँ हाँ, नहीं है, बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन, कॉन्फ्रेंस में, 10 दिन के बाद। ओके, हेलो। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे ही रहते हैं। कौन? मयंक चौधरी। जस्ट अ सेकंड। सागर जी, आपका फोन। फोन? हेलो, नमस्ते, मेरा नाम मयंक चौधरी है। अच्छा, मैं आर्ट डीलर हूँ, मेरे क्लाइंट दिल्ली में रहते हैं, बहुत रईस हैं, नाम रंजीत चौबे, उनकी पत्नी चंद्रा देवी यहाँ आए हैं अपनी तस्वीर यानी कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो एग्जीबिशन में मैंने आपकी पेंटिंग देखी है और नए प्रतिभाओं को तो मौका मिलना चाहिए। तो इसी काम के सिलसिले में आपसे आमने सामने कुछ बातें करनी है। हाँ, कब बोलिए? आज ही। हाँ, आज ही शाम 4 बजे, होटल सेवॉय, रूम नंबर 501।
अच्छा वो रूम नंबर 501 कहाँ है? बाई तरफ जाके दूसरा नंबर। थैंक यू। क्या बात है, बोलिए। हाँ वो मैं, मेरा नाम सागर चोपड़ा। हाँ। वो मिस्टर मयंक चौधरी हाँ, ने मुझे। हाँ 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 मैं ही। नमस्ते। नमस्ते, आइए अंदर आइए। सागर जी ये हैं रंजीत चौबे। नमस्ते, नमस्ते। और इनकी पत्नी चंद्रा देवी। और ये है अमर बोस। नमस्ते। दिल्ली में रहते हैं, एक आर्ट गैलरी के मालिक हैं। और रंजीत जी के काम के बारे में तो आपसे पहले ही बात हो चुकी है। इनकी पत्नी चंद्रा जी को मॉडल बनाकर वो 10 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाना चाहते हैं। ये पूरा काम करने के लिए आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, 10 एडवांस में, 15% कमीशन छोड़कर। लेकिन मेरा कोई स्टूडियो नहीं है। हमारे यहाँ मिस्टर चौबे का तो एक फ्लैट खाली ही पड़ा है, और वो लगभग खाली ही रहता है। वहीं पे आप काम कर सकते हैं। अब बोलिए, क्या आप राजी हैं? हाँ, मतलब वो मेरे पैसे मुझे कब मिलेंगे? एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही मिल जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको मेरे साथ डील करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कहाँ साइन करना पड़ेगा, दीजिए प्लीज। अंदर आऊं? अरे आइए आइए आइए, बैठिए। थोड़ा घूम के बैठिए। हाँ आऊं? आइए बैठिए। एक बार खड़े हो जाइए। थोड़ा बाएं घूमिए और थोड़ा, हाँ थोड़ा चिन अप और थोड़ा, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों कर रही है? सुन रही हैं आप? क्या हुआ आपको? क्या क्या तकलीफ हो रही है आपको? हाँ, आपको पानी पीना है? हाँ, कहाँ 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 दर्द हो रहा है आपको? हाँ, सीने में। आप बोलिए। यहाँ सीने में। क्या 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 कर रही है आप? क्या क्या कर रही है? छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। अरे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए आप। देखिए देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, छोड़िए मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़िए। सागर प्लीज प्लीज। रास्केल, मैं तुम्हें। ओफो, रहने दीजिए। छी 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 छी,
नया टैलेंट समझकर तुम्हें मौका देना आप चाहता था। विश्वास कीजिए, ये सब प्री प्लान था। सच चुप रहो, नाटक मत करो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, बड़े बाबू को दीजिए। मैं रंजीत कर्मकार बोल रहा हूँ। किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को। अरे छोड़िए ना, मैं देखता हूँ। सुनो, तुम्हें थाने लेके जाएंगे, लॉकअप होगी, तुम्हारे गांव में खबर जाएगी, तुम्हारे पिताजी, रिश्तेदार, गांव वाले सब जानेंगे, तुम्हारे दोस्तों को भी पता चल जाएगा, तुम्हारा रूममेट नील और रंजावती मिश्रा को भी पता चलेगा। यही कि तुम होटल के एक रूम में एक अच्छे घर की बहू को। नहीं, 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 नहीं। मेरी मेरी एक एक बात। अच्छा ठीक है ठीक है। रंजीत जी आप थोड़ा बाहर जाके बैठिए तो। चलो। अरे जाइए ना, बैठिए। ए ले जाओ इन्हें। अभी ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है। इतने सारे लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि तुमने मिसेस चौबे को होटल के रूम में, इसके बाद भी तुम। खैर छोड़ो, सुनो, जो होना था वो हो गया। तुम्हारी उम्र भी कम है, बाकी जिंदगी बर्बाद ना हो ये भी तो देखना है ना। सुनो, तुम एक काम करो, तुम भाग जाओ। भाग जाओ? हाँ, शहर से दूर, बहुत दूर, अपने गांव में भी नहीं। तुम्हारे परिवार का सम्मान, रिश्तेदार, गांव वाले। लेकिन मैं वो सब मैं संभालूंगा। चलो मेरे साथ, चलो 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 चलो। इसको रखो। सुनो, जो कहा उसे याद रखना, हॉस्टल में भी मत जाना, जाओ। अरे क्या हुआ? हेलो सर। सर हाँ विश्वनाथ बोलो। एक अच्छी खबर है सर, आपने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही करके उसे बदनाम कर दिया सर। रस्केल, इतनी रात में। ओह कौन था? विश्वनाथ। सुनो ना प्लीज, प्लीज इधर घूमो, प्लीज सुनो ना, यहाँ से सुनो, सुनो ना, सुनो ना, नहीं मत बोलो, सुनो।
सुरेश जी, सागर, अच्छा उसकी कोई खबर? उसकी खबर हम नहीं रखते। सुरेश जी वो चाबी। अरे नील। अरे तू? सागर कहाँ जाएगी? घर। चल। पता है रंजा, हॉस्टल के घर में अकेले रहते और अच्छा नहीं लगता। मैं उसके गांव भी गया था लेकिन बैड लक, नहीं मिला। अच्छा क्या हो सकता है? देख तू बुरा मत मानना इस बात का, दरअसल ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने सुना कि सागर किसी होटल में किसी औरत के साथ पागल मत बन रंजा, एक मिनट मैं चल चल घर चल। अरे चल। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि सागर नहीं है, एक इंसान इस तरह गायब हो गया। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एक भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका मतलब मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मानूंगी। खुशी
खुशी के रंग जीवन में मेरे नहीं ला पाएगी, वो खुशियाँ नहीं दे पाएगी, वो खुशियाँ नहीं दे पाएगी। पूर्णिमा रातों में चांदनी जब छा जाए, अर्चिष्मान पहचानती है इसे? रंजा, तुम यहाँ चली आई? मैं खाना परोस कर बैठी हूँ। 10:30 बज गए हैं, बहुत रात हो चुकी है, खाने आओ। तुम खा लो माँ। खा लूंगी। उन्हें गुजरे 6 साल हो चुके हैं, हजारों तकलीफों के बावजूद एक दिन के लिए भी तेरी मर्जी के बगैर मैंने तुझे एक भी काम करने के लिए नहीं कहा। तेरे विश्वास, तेरी आजादी में मैंने कभी कोई बाधा नहीं दी, और आज तूने खाने को ना करके। माँ प्लीज। कुछ दिनों से उस घटना के बारे में मैं बहुत सारी बातें सुन रही हूँ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, और आज अखबारों में ये बात आ गई है, और मैं माँ हूँ। माँ रंजा, लड़कियों के जीवन की छोटी सी भूल का बोझ सारी जिंदगी लेकर चलना पड़ता है, इसीलिए समय रहते। माँ तुम गलती कर रही हो। गलती कर रही हूँ? तेरे भविष्य को लेकर मैं गलती कर रही हूँ? कर रही हो, किसी और के कहने पे, जिसने तुम्हें अपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। जिस दिन तुम माँ बनोगी रंजा, उस दिन समझ पाओगी मैं क्यों ये गलती कर रही हूँ। दीदी की दी हुई तुम्हारी तस्वीर देखकर वैज्ञानिक होते हुए भी ये मान गया, शायद इसी को डेस्टिनी कहते हैं, किस्मत, नसीब। रंजा, तुम शायद समझ रही होगी असल में क्या है पता है? ये आकाश, जल, मिट्टी, हवा, मनुष्य, ये सब एक अनजाने नियम से बंधे हुए हैं,
और यही मैं जानना चाहता हूं। ये जानना ही मेरा काम है। और इसके भीतर क्या रहस्य है, नित्य नूतन छंद में बांधना ही तुम्हारा काम है रंजा। सृष्टि ही जीवन है रंजा। दस बज गए और क्या। चलिए भाभी, मुझे एक बात कहनी थी आप लोगों से, एक अनुरोध है। हाँ कहिए ना। पुरी में मेरे ससुर जी का एक घर है, शुभ काम हम वहीं करना चाहते हैं। हाँ। हमारे वंश की परंपरा है, पर हाँ किसी को कोई तकलीफ दिए बिना। क्या रे अर्ची, तू क्या कहता है? मैंने तो तुझे पहले ही कहा है, वही करो। ठीक है, शुभ काम आपकी रीति रिवाज से ही होगा। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। हाँ ठीक है, अब चलते हैं। हाँ? चलते हैं, जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। सब एकदम सफाई करके चकाचक कर देना। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। तुम्हारा नाम? राजू। राजू तुम डेकोरेटर के पास जाओ और बोलना जैसी सजावट की बात हुई है वैसे सजा देना। जाओ। ठीक है। और सारी बात मुझे आकर बताना। जाओ। ठीक है। ताऊ जी, शहर से आपके लिए फोन है, सूरज यादव। सर। हाँ सर, तुम जाओ, तुम जाओ। हाँ सर बोलिए। विश्वनाथ सुनो। बोलिए। सुनो, 15 दिन के बाद वोट है। हाँ। समझे? मतलब अभी कैंपेन छोड़कर मैं और लवनिया कहीं नहीं जा पाएंगे। हाँ। ठीक है ना? मतलब सावित्री देवी को तुम समझा कर। हाँ। बता देना। और हाँ। वैसे भी अर्चिसमान पहुंच हाँ, गया सर, है ना? पहुंच गए हैं सर, और मैंने उन लोगों के लिए होटल बुक करवा दिया है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। और एक बात। हाँ। अच्छा तुमने काम को आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया? ओ सर, क्यों सर, मुझे जो कुछ भी मिला मैंने 80-20 करके आपको आपका हिस्सा दे दिया सर। सीधी सीधी बात करो। नहीं मतलब बाकी भी आपको मिल जाएगा, आपको जो भी दूंगा पूरा दूंगा सर। मुझे लगता है शादी हो जाने के बाद पूरा दे देंगे। विश्वनाथ ऐसा दिमाग लेकर बिजनेस करते हो? क्यों सर, कामा और पीतल बेच बेच कर तुम्हारा दिमाग ना? क्या? बैचलर लाइफ और मैरिड लाइफ का फर्क समझते हो? मेरी जरूरत अभी है सर, मुझे तो तुम जानते हो। सर सुनिए, बिजनेस करूंगा और प्रॉफिट ना सर, सुनिए, ऐसा इंसान मैं नहीं। सर सुनिए, मेरी जरूरत अभी है, समझे? सर सुनिए, सर 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 दैट्स इट। जीजा जी आप यहाँ? हाँ, क्यों, क्या बात है? सावित्री दीदी आपको ढूंढ रही हैं। अच्छा जा रहा हूँ। रस्म कहाँ तक पहुँची? यही तो, अभी हल्दी है, उसके बाद मंदिर जाना है। तुमसे जो कहा था पूरा ध्यान रखना, जरा सा भी इधर उधर ना हो। विधवा की इकलौती बेटी है। जय श्री राम, प्रभु रक्षा करो। दीदी। हाँ। रंजा को कंगन पहनाने क्या तुम जा रही हो? हाँ मैं जाऊंगी। राजू की बीबी और लक्ष्मी को साथ ले लेना। हमारे सब शुभ कामों में प्रसन्न की दुकान से ही सब सामान आता है, लक्ष्मी सब जानती है। हाँ वो तो साथ ही जाएगी। आइए देवर जी आइए। अच्छा तो मैं जरा हल्दी की रस्म देख कर आऊं? हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। हाँ भाभी। देवर जी वो पटनायक और उनकी बेटी दोनों आ रहे हैं, उनके रहने का? नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा भाभी, किसी बात को लेकर चिंतित मत होइएगा। सच हाँ। में आप नहीं रहते तो मैं क्या करती? ओ हाँ, शहर से सूरज यादव का फोन आया था। फोन? उन लोगों का तो आज? नहीं नहीं, 7 दिन के बाद इलेक्शन है और वो दोनों पति पत्नी शहर से निकल ही नहीं पा रहे। उन लोगों के आने की बड़ी उम्मीद थी। हाँ। देवर जी रंजा मेरी इकलौती बेटी है। अर्ची भी हमारे घर का ही लड़का है। हाँ, हाँ। ओ, लगता है हल्दी की रस्म शुरू हुई है, मैं उधर देखता हूँ भाभी। हाँ। ठीक है। Thank you.
गिर गया कोई? अरे चल 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 चल, अरे क्या फिर पानी लाओ, पानी लेके आओ, कोई पानी लेके आओ यार। हाँ हवा करो, हवा करो यार। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि वो गहने पहन के कैसी लगेगी। वो बहुत सुंदर लगेगी, परी जैसी लगेगी, बहुत प्यारे लगेंगे ये गहने, अच्छे लगेंगे ना उसके ऊपर। प्रसन्न, इसे कंगन पहना दो। ठीक है, बैठिए। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्यों? मैंने कुछ सुना है। क्या? उस लड़के को ना मैंने, हाँ हाँ क्या हाँ वो लड़का तो कब का पता नहीं कौन है। अच्छा रंजा, रंजा तैयार हो रही है। कौन कौन है वहाँ पे? उसकी सहेलियाँ। तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ वहाँ जाकर उसके पास बैठो। जाओ। जाती हूँ। आपको बात याद रहेगी ना? हाँ। ए, सुन सुन। क्या है, जल्दी बोलिए। सुन सुन, अच्छा तू जा। फोटो बनाने वाला लड़का मंदिर के आंगन में, हाँ? हाँ? नहीं 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 नहीं, thank you।
मुझे जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। आजे जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। फूलों पे तुम चलती रहो, फूलों पे तुम चलती रहो, कांटों पे मैं चलूं। आज ये जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। जलते दिए क्यों बुझ गए, जब जाना ही था क्यों मेरे पास आए। जलते दिए क्यों बुझ गए, जब जाना ही था क्यों मेरे पास आए। कोई नहीं है पास यहाँ पे, कोई नहीं है पास यहाँ पे, मैं अकेला रहूं। आज ये जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। हमेशा क्यों तुम्हारी याद आती है, पुरानी यादें अभी सताती है। हमेशा क्यों तुम्हारी याद आती है, पुरानी यादें अभी सताती है। जीवन सुना रह गया मेरा, जीवन सुना रह गया मेरा, फिर भी मैं खुश हूँ। आज ये जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। आज ये जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। फूलों पे तुम चलती रहो, फूलों पे तुम चलती रहो, कांटों पे मैं चलूं। आज ये जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए जी जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। आजे जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं। आजे जाना, तुम्हारा प्यार मेरे लिए।
रंजा तुम कहाँ हो रंजा? रंजा, 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 रंजा तुम कहाँ हो रंजा? रंजा, रंजा, मुझ पर विश्वास करो रंजा, 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 रंजा तुम कहाँ हो रंजा? रंजा, रंजा, मुझ पर विश्वास करो रंजा, 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 सागर, 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 रंजा, मैं आ गई सागर। विश्वास करो रंजा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ, तुमने कोई गलती नहीं की। रंजा, सागर, रंजा, रंजा तुम आ गई? सागर देखो मैं आ गई सागर। मैं आ गई, उठो उठो उठो। रंजा तुम आ गई? मुझे छोड़ के कभी मत जाना रंजा, मुझे छोड़ के कभी मत जाना सागर, रंजा, सागर, रंजा। ये सब क्या है? हाँ? रंजा,